हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों जब भी लड़कियों को किसी पार्टी में जाना होता है या फिर किसी खास ओकेशन को अटेंड करना होता है तो वो अपनी आंखों पर सबसे ज्यादा फोकस करती हैं ताकि उनकी आंखों का लुक काफी ज्यादा अच्छा दिखाई दे। और जब आंखों के लुक की बात होती है तो कई बार लड़कियां अपनी आंखों को और ज्यादा सेक्सी लुक देने के लिए नकली आईलैशेस को लगाती हैं, लेकिन कई बार नकली आईलैशेस लगाना कैसे है ये चीजें उन्हें पता नहीं होती हैं। इसीलिए आज की वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों सबसे पहले अगर आप अपनी आंखों पर नकली आईलैश लगाना चाहते हैं तो आपने ये जरूर गौर किया होगा कि नकली आईलैशेस हमारी आईलैश की लेंथ से काफी लंबी होती हैं। इसीलिए आप उन्हें अपने डिजायर लेंथ के अकॉर्डिंग कटवा लीजिए। ये आप उसी शॉपकीपर से करवा सकती हैं जहां से आप इसे लेकर आ रही हैं। उसके बाद अपनी आंखों को अच्छे तरीके से किसी टोनर से साफ कर लीजिए ताकि आपकी आंखों पर बिल्कुल भी गंदगी जमा न रहे, क्योंकि अगर आपकी आंखों पर गंदगी रहेगी तो ग्लू लगाने के बाद भी आपकी आईलैश सही तरीके से नहीं टिक पाएंगी। अपनी आंखों को अच्छे तरीके से साफ करने के बाद आप अपनी पलकों के ऊपरी हिस्से पर हल्का सा ग्लू लगाइए। ये ग्लू नकली आईलैश के साथ ही आपको मिलेगा। इसे अच्छे तरीके से लगाकर अपनी आईलैश को इसके अंदर जॉइंट करिए और कुछ देर के लिए आंखें बंद करके रखिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो आईलैश कर्लर का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये आपकी आईलैशेस को और कर्ल करने के लिए, अच्छा वॉल्यूम देने के लिए और इन्हें काफी देर तक आपकी आंखों पर लगे रहने देने के लिए काफी अच्छा है। इसे लगाने के बाद आप अपनी मनपसंद का आई शेडो, मस्कारा और आईलाइनर अपनी आंखों पर लगा सकती हैं। ऐसा करने से आपकी आंखों पर जो नकली आईलैश लगी है उनकी पकड़ मजबूत होगी और वो आपकी आंखों को काफी अच्छा लुक भी देगी। दोस्तों ये सारी बातें तब की जाती हैं जब आपको अपनी आंखों पर नकली आईलैशेस लगानी हो, लेकिन अगर आप नकली आईलैशेस नहीं लगाना चाहती हैं तो आप रेगुलर बेसिस पर अपनी आंखों की पलकों के ऊपर कैस्टर ऑयल से मसाज कर सकती हैं। ये भी काफी अच्छा नुस्खा है आपकी आंखों की असली आईलैशेस की ग्रोथ बिल्कुल अच्छी बनाने के लिए। सो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपको नकली आईलैशेस को लगाना है तो ये आपकी हेल्प कर सकता है। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।